कोई दुनिया आता में नहीं हम कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने इनकी औकात अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा और मुझसे ना चीज पे मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी
क्या बताऊं, तेरी रहमत में है वुसअत कितनी। एक मैं क्या मेरे ईसिया की हकीकत कितनी। हकीकत कितनी। आला हजरत, कोई भी कलाम आप उनका देखें, आपको महसूस होगा कि या तो कुरान की किसी आयत की या सूरत की आयत की तशरीह की गई है, या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका उसको अपने अंदाज में बयान किया गया, या नबी अलैहिस्सलाम की शान मुबारक जो है वो हर हर शेर में बयान की गई है। तो इसमें आला हजरत फरमाते हैं कि मैं, मेरी क्या औकात है और मेरी क्या हैसियत है और मेरा दुख दर्द क्या है। या रसूलल्लाह, अगर आप चाहें तो मुझसे 100 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख नहीं, कि मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह, अगर आप चाहें और आप सिर्फ इशारा फरमा दें तो मुझसे 100 लाख, मतलब कि करोड़ों लोग जो हैं वो खुशबाश हो जाएं, उनके दुख दर्द दूर हो जाएं। और या रसूलल्लाह, बेशक आपकी हस्ती ऐसी है, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल आलमीन, कि एक जहान, दो जहान, तीन जहान नहीं, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। तो इसमें आला हजरत यही फरमा रहे हैं। और उससे पहले पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तज़मीन उन्होंने पेश की है उसको इसके साथ मिलाया है। या रसूलल्लाह, आप अगर चाहें पर आप इशारा फरमाएं तो आपने हमेशा मोहब्बत फरमाई है, हमेशा शफकत फरमाई है, आपने हमेशा ख्याल रखा है, आपने किसी मोड़ पे मुझे तनहा नहीं छोड़ा। और अब भी अगर मुझे कोई थोड़े से कोई दुख आलाम, अगर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसियाँ, इसियाँ का मतलब यही होता है कि इंसान कोई गम में हो, कुछ मुश्किलात में हो और आसी हो या दरख्वास्त पेश करने वाला हो, कि उसकी कोई इतनी वक़्त नहीं है आपके सामने, अगर आप इशारा फरमा दें तो कई 100 लाख वो आपका सिर्फ एक इशारा, और यही एक इशारा जो है बरोज़ क़यामत भी काम आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमें मालूम है महशर के रोज़ क्या होगा, हमें मालूम है महशर के रोज़ क्या होगा, सब उसको देखते होंगे, वो उनको देखता होगा। नबी अलैहिस्सलाम अपने अब्रू मुबारक से इशारा फरमाया करेंगे कि इसको जाने दो, इसको जाने दो, सिर्फ अब्रू का इशारा होगा, अब्रू की जुम्बिश होगी और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी। क्या बताऊं, तेरी रहमत में है वुसअत कितनी। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। से 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख
आँख को काफी है इशारा तेरा। और इस शेर की तो मेरा ख्याल है तशरीह करने की जरूरत नहीं, और मुझे ऐसा ही लगता है कि ये शेर शायद मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए लिखा गया है, और जिस जिसको लगता है कि उसको इसमें एडजस्ट किया जा सकता है, गौर से शेर को समाप्त फरमाएं। इंतहाई खूबसूरत शेर के कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यही तिफली और जवानी के गुजारे महोसाल, अब बुढ़ापे में खुदारा मुझे यू दे से नाटाल, तेरे टुकड़ों पे पले झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। और नजरे उशाक नबी है ये मेरा हर्फ़े गरीब, मिंबरो वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अल्लाह करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तुझसे हर चंद है वो कदरो फजाइल में रफीर, करन सीराज मगर फिक्र रजा में तोसी, पास उनके भी शफाअत का वसीला है बकी, तेरी सरकार
उस को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वह क्या जू